आपके माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने ये वाइट कुर्ता पहना है और मुझे वाइट कलर बेहद पसंद है, मुझे वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी मैं वाइट पहनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और आज मैंने पहना है। और मैं अभी जा रही हूँ मार्केट आर्यन को उसका स्कूल बैग दिला के लेके आना, क्योंकि उसका बैग ज़्यादा फट गया है और अक्षरा का तो ठीक है, और आर्यन को जूते भी दिला के लेके आने हैं और कुछ एक आध जोड़ी कपड़े भी दिला के लेके आना है जैसे डेली यूज के हिसाब से। तो अभी हम मार्केट चलते हैं और आप सभी के साथ में शेयर करते हैं, इंशाल्लाह आप सभी को ब्लॉग पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, हम घर से निकल आए हैं और यहाँ पे देखिए मंगोड़ी के ठेले वगैरह लगे हुए हैं, पापड़ के ठेले लगे हुए हैं, पापड़ वगैरह बिच रहे हैं। और यहाँ पे ये क्यों जब ये बिचते हैं, जब या फिर ईद हो तो ईद पे यहाँ पे मेला लगता है, त्यौहार बनता है, और या फिर ताजिए हो तो अभी चहलम का ताजिए हैं, आज चहलम के ताजिए ठंडे हो रहे हैं जो उस दिन का वीडियो शूट है, तो इसलिए यहाँ पे इतने आप सभी को थोड़ी बहुत भीड़ दिख रही होगी। तो मैंने आर्यन से कहा कि आर्यन मोबाइल ले और अंदर जाके अंदर का थोड़ा सा दिखा के ले किया कि क्या हो रहा है अंदर। तो पापा मैं तो बाहर ही खड़े थे और मैंने आर्यन को मोबाइल दे दिया था, तो आर्यन ने अंदर का ये व्यू दिखाया है। तो ये है हमारे यहाँ का कब्रिस्तान, जो माशाल्लाह से पहले से बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि पहले ये बिल्कुल सूखा सूखा सा था। इसमें बैठने की व्यवस्था की गई, टेबल वगैरह रखी गई है, इसमें पेड़ पौधे लगाए गए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, गुलाब वगैरह के और भी अलग अलग फ्लावर और भी अलग अलग डिज़ाइन के जो पौधे होते हैं खूबसूरत खूबसूरत वो लगाए गए हैं। और वैसे नॉर्मली जो इसमें पेड़ हैं वो तो फिर है ही हैं, और इसमें ये बीच में ये रोड बनाई गई है, वहाँ पे सामने देखिए बच्चे बैठे हुए हैं। और यहाँ ये सामने आप सभी को गड्ढे दिख रहे हैं, ये हैं ताजिए के गड्ढे। तो अब हम आगे चलते हैं और मैं आगे वाले गेट से दिखाती हूँ, यहाँ पे ताजिए हैं तो पुलिस भी खड़ी हुई है कि कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। और हमेशा अक्सर जब भी ताजिए होते हैं तो पुलिस खड़ी होती है। तो मैं आप सभी को इस वाले गेट से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इधर की साइड भी कुछ हो रहा है। तो आज ताजी ठंडे होंगे इसलिए इसमें कब्रिस्तान में बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। और आर्यन को देखिए हाल ही ऊपर चढ़ने लगा है मेरी एकदम, मैं तो वीडियो शूट कर रही थी, मेरी एकदम नज़र पूछी, मैंने ये क्या कर रहा नीचे आ, और वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, वो भी कह रहे कि भाई कहाँ जा रहा है, कहाँ चढ़ रहा है, तो एकदम उन्होंने भी रोका। मैंने कहा जी आर्यन हमारा बिल्कुल पागल है, ऐसे काम करता है, ये देखिए हम खड़े हैं और खुद ना उसके ऊपर चढ़ने लग गए। तो यहाँ पे हम आए हैं सबसे पहले आर्यन का बैग लेने के लिए, जैसा मैंने आप सभी से कहा था। तो यहाँ ये हमने आर्यन बैग पसंद कर रहा है, कौन सा वाला बैग चाहिए, आर्यन बोला मुझको रेड कलर का चाहिए, मुझे रेड कलर का चाहिए, मुझे रेड कलर, मुझे रेड कलर का क्यों चाहिए, मैंने देख ले पसंद कर ले जो अच्छा लगेगा वो ले लेंगी। तो उन्होंने ये बैग से दिखाए हैं जैसे क्लास के बच्चे के हिसाब से, उस क्लास के हिसाब से वो बैग दिखा रहे हैं। पूछते हैं ना जब बैग वगैरह लेने आते हैं तो पूछते हैं कौन से क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, तो उस हिसाब से उन्होंने जो बैग दिखाए हैं तो हम पसंद कर रहे थे कौन सा बैग अच्छा है। तो ये आर्यन जो टांग के दिख रहा है, इसकी जो क्वालिटी मुझे थोड़ी हल्की दिख रही थी और पसंद तो आ रहा था, अच्छा लग रहा था, मगर ना जो इसकी क्वालिटी है वो मुझे थोड़ी वीक दिख रही थी, इसलिए मैंने कहा ये नहीं। तो उसके बगल में जो ब्लैक कलर का था वो मुझे सही लग रहा, वो थोड़ा मजबूत लग रहा था, अच्छा लग रहा था, सही था, तो इसलिए हमने वो पसंद किया। तो अब हम आ गए हैं, आर्यन को चाहिए थी सैंडल क्योंकि उसके जूते भी फट गए हैं, तो आर्यन को सैंडल दिला रहे हैं। तो यहाँ आर्यन सैंडल पसंद कर रहा है, तो मैंने कहा पहले पिछली वाली गई थी तो वो कर्री वाली होती ना टाइट वाली, वो ले गया था तो लेके गए थे तो वो टूट गई थी, चटक जाती हैं वो, इसलिए मैंने कहा आपकी बार लेंगे ना तो कुछ अच्छी लेंगे, सॉफ्ट लेंगे, जो नीचे का लेदर रहता है ना वो सॉफ्ट होना चाहिए जिससे ना वो सही रहे। जैसे मैं चेक कर रही हूँ तो ये क्या रबड़ का बना हुआ है,
सॉफ्ट है, इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। अच्छा, जो पानी में भी सही रहेगा, या पानी के पड़ने से भी ख़राब हो जाती हैं बहुत सी सैंडलें, मगर ये अच्छी हैं, मुझे पसंद आएंगे। और मुझे कलर भी बहुत अच्छा लगा, और नीचे की जो कलर है स्काई ब्लू कलर, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आर्यन के पैर में ये वाली अच्छी भी लग रही हैं। तो फिर उसके बाद हम आगे चल के हम आए हैं आर्यन के लिए कपड़े लेने के लिए। तो डेली यूज के लिए वो स्कूल जा रहा है, तो स्कूल के लिए अभी स्कूल की ड्रेस वगैरह भी दिलानी है, तो वो हम दिलाएंगे, मगर अभी फ़िलहाल एक आध जोड़ी कपड़े दिला रहे हैं डेली यूज के लिए। तो आर्यन ने ये उन्होंने वो लोअर दिखा रहे हैं पहले, तो हमने पहले लोअर देख रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जो रेड कलर का मैरून कलर का वो जो लोअर दिखाया, वो मुझे पहले ही पसंद आ गया। और फिर हमने कहा और देख लेते हैं, और अच्छा दिख जाए तो मगर जो उन्होंने फिर मैंने कहा इसमें इसके और कलर निकाल दो, तो उन्होंने ग्रे कलर, ब्लू कलर, स्किन कलर ये निकाले। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो ये मैरून कलर ही अच्छा लग रहा है। तो हमने फिर ये डिसाइड कर लिया है कि यही वाला ये ले रहे हैं। इसकी थोड़ी लेंथ वगैरह देख रहे थे कि सही लेंथ है आर्यन की, सही आ रही है कि नहीं आ रही, तो बिल्कुल ठीक है। तो हमने फाइनल यही हो गया है, और अब इसके बाद हम देखेंगे टी शर्ट। तो अब हम टी शर्ट दिखा रहे हैं अंकल हमको। तो पापा थोड़ा कपड़ा वगैरह देख रहे हैं कि कपड़ा कैसा है, कपड़ा चेक कर रहे हैं। इसका कपड़ा थोड़ा स्ट्रेचबल और क्लीन है, तो वो ये वाला बता रहे थे लोअर एक ये है। मैंने कहा ये वाला मत लेना, क्योंकि इसमें ना रुआ निकल जाता है, इस वाले कपड़े में पहनते पहनते रुआ निकल जाता है, ढीले ढाले से हो जाते हैं वो, फिर बेकार से लगते हैं। और आर्यन हमारा वैसे ही पतला दुबला है, तो ना उस पर ढीले ढाले कपड़े ज़्यादा, वो ढीले ढाले हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, तो वो और ज़्यादा वैसा लगता है। तो यहाँ पे ये टी शर्ट दिखाई उन्होंने, जो फर्स्ट टी शर्ट दिखाई ना, उसके बाद हमें दूसरी टी शर्ट पसंद ही नहीं आई। और इनको ये फर्स्ट टी शर्ट पसंद आई, और जिसका कलर भी अच्छा है, ये वाला कलर बहुत प्यारा कलर है, और इस पर प्रिंट वगैरह उसका आर्यन को पसंद आया, तो उन्होंने आर्यन ने यही ली। तो आर्यन बोला आर्यन अंकल दूसरी भी टी शर्ट दिखा रहे कि ये देख लो ग्रे कलर की। आर्यन ने कहा नहीं यही फाइनल है। तो बस आर्यन की एक जोड़ी टी शर्ट, वो एक जोड़ी जोड़ी कपड़े हो गए, टी शर्ट और लोवर। अब हम आ गए हैं थोड़ा दुकान का सामान लेने के लिए। तो खिलौने वगैरह ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा कि कुछ खिलौने ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्लास्टिक के बने हुए छोटे छोटे हाथी हैं, तो वो ले रहे हैं। तो मुझे दुकान का सामान तो ये कुछ ही लेना था, जो ये छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस ये लेने के बाद फिर हम आ गए थे घर पर। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का रूटीन है, मॉर्निंग का टाइम है, तो मैंने बनाया है पास्ता सुबह नाश्ते में, और ये हमारा नाश्ता है, और आर्यन अक्षरा का लंच है, जो आर्यन अक्षरा लंच में लेके जाएंगे। तो मैंने आर्यन अक्षरा के लिए लंच पैक कर दिया, जो टिफिन में बेचने के लिए गई थी ना, मैंने कहा था आर्यन अक्षरा ने एक एक लिए हैं, तो आर्यन ने ब्लू कलर लिया है, अक्षरा का पिंक कलर है। तो ये आर्यन अक्षरा के दोनों के मैंने टिफिन लगा दिए हैं। तो बस अब मैं टिफिन पैक कर दूँगी, और उनका टाइम हो गया है आर्यन अक्षरा का। तो आप सभी को कैसा लगा आर्यन अक्षरा का लंच बॉक्स, एंड उसमें उसका लंच, उनको पास्ता वगैरह अच्छा लगा, और मैंने कहा अब आज पास्ता लेके जा रहे हो, कल पराठे लेके आना, ऐसे पता है फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें जो आर्यन के लिए हम लेके आए हैं, वो सारी चीज़ें आर्यन के खुद के पैसों से लेके, आर्यन के खुद के पैसे कैसे, आर्यन ने पैसे इकट्ठे किए थे, तो उन पैसों से आर्यन के लिए ही लेके आए हैं। आर्यन ने बोला कि मैंने ये कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं मेरे लिए, ये दिला के लेके आओ। माशाल्लाह कितनी अच्छी बात है, उसने खुद से पैसे इकट्ठे किए, और उन पैसों से हम उसको ये कपड़े वगैरह दिला के लेके आए हैं। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है आर्यन इस ड्रेस में, तो उसकी सैंडल, उसका लोवर, उसका टी शर्ट, उसका बैग, सारा कुछ उसने जो पैसे कलेक्ट किए थे अपने पास, उन पैसों से हम
उसको जैसे वो शाम को मुझसे पैसे लेता है और ऐसे बाजी वगैरह आती हैं तो वो कुछ थोड़े बहुत पैसे जब देखी जाती है ना, जब जाती हैं और या फिर कोई मेहमान या ईद पे उसने उसको पैसे मिले थे, रोज़ों में उसको पैसे मिले थे, तो उसने सारे पैसे कलेक्ट किए उन पैसों से, आज वो ये चीज़ लेके आया। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। अल्लाह हाफिज़। आपको कैसा लगा ज़रूर बता।